प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और प्रमुख शिक्षा सचिव को हाई कोर्ट ने तलब किया है। स्कूल में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा ये मामला है। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने रिकॉर्ड समेत इन्हें हाजिर होने के लिए कहा है। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंड ने आदेश जारी किए गए हैं और अदालत ने इनसे पूछा है कि जिन स्कूलों में विशेष विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उन स्कूलों में विशेष शिक्षक नियुक्त करने का क्या प्रावधान है। विशेष योग्यजन कल्याण और पुनर्वास समिति की याचिका पर ये आदेश दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए किए गए ये स्कूल अलग से स्थापित हैं। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति न होने से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ये दिव्यांग। इसी को लेकर के अब अदालत ने ये पूछा है कि जिन स्कूलों में इस तरह का प्रावधान है वहाँ विशेष शिक्षकों के की नियुक्ति का क्या प्रावधान है, किस तरह से यहाँ पर विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं और किस तरह से यहाँ पर दिव्यजनों को, यहाँ पर जो विशेष छात्र हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंड ने आदेश जारी किए हैं और ये सवाल किया है और पूछा है कि उन स्कूलों में नियुक्ति का क्या प्रावधान है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी निवास चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। निवास, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से कोर्ट इस पर सवाल जवाब करेगी? देखिए शालिनी, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो इन स्कूलों के अंदर की गई थी और कोर्ट ने पटकार लगाते हुए ये पूछा है कि अगर ये जो स्कूल है इनके अंदर जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके अंदर क्या व्यवस्था की गई है, इन स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं वो लगातार वंचित हो रहे हैं, विशेष योग्यजनों के लिए जो है अलग से स्कूल राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे पर अभी तक इनके अंदर जो है वो अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसके लिए पुनर्वास समिति की याचिका के ऊपर उन्होंने आदेश दिए हैं। 7 अक्टूबर को अदालत ने रिपोर्ट सहित उनको हाजिर होने के लिए कहा है। लगातार जो छात्र नेता हैं वो इस पर मांग कर रहे थे और जो दिव्यांग स्कूलों के लिए जो टीचर है वो लगातार भर्ती की मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे थे और इसी के मद्देनजर हाई कोर्ट ने भी है उनको तलब होने के लिए कहा है। जी निवास, आगे किस तरह से जो है कोर्ट अपना आदेश सुना सकती है और किस तरह से इस मामले को आगे देखा जा सकता है, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्कूल होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति ना होना तो कब से इस तरह की अनदेखी चल रही है। जी राज्य ने पूछा कि जिन स्कूलों में विशेष विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उन स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने का क्या प्रावधान है, क्योंकि स्कूल है वो राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए अलग से स्कूल स्थापित किए गए हैं पर इसमें जो शिक्षक है उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट ने यही पूछा है कि अगर स्कूल ने दिव्यांगों के लिए अलग से स्थापित किए गए हैं इसके अंदर शिक्षक नहीं है तो दिव्यांग जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनके लिए पढ़ने का क्या प्रावधान है, वो शिक्षा से लगातार वंचित हो रही है। इसी के मद्देनजर 7 अक्टूबर को पूरा रिकॉर्ड सहित कि आप हमें डाटा दीजिए, आप हमें बताइए कि किस तरीके से ये बच्चे हैं वो पढ़ाई को आगे हैं वो जारी रखे जाएंगे और विशेष शिक्षकों की जो भर्ती है वो अभी तक जारी नहीं हो पाई है, इसको लगातार शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए जा चुके हैं और ये कहा जा चुका है कि नया सेशन है वो जल्द शुरू होने वाला है तो इसको लेकर जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो ताकि जो दिव्यांग छात्र है वो पढ़ाई से वंचित ना हो, पर अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया है वो इसको लेकर पूरी नहीं हो चुकी है और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किया गया है और इसी के तहत हाईकोर्ट ने भी ये पूछा है कि अगर दिव्यांग स्कूल अलग से स्थापित है तो इसमें पढ़ने और पढ़ाने का क्या प्रावधान है। जी निवास, और चूंकि अब अदालत ने संज्ञान ले लिया है तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जो नियुक्ति होगी उसके ऊपर भी जल्द बात होगी और कहीं ना कहीं विशेष योग्यजन जो है उनको संबल प्रदान किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए निवास बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें विशेष शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए सवाल पूछे गए हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से और उन्हें कोर्ट में जवाब देने के लिए 7 अक्टूबर को बुलाया गया है और रिकॉर्ड समेत हाजिर होने की बात कही गई है कि नया सत्र शुरू होने से पहले किस तरह से नियुक्ति की जाएगी और विशेष योग्यजनों को जो है आगे शिक्षा दी जाएगी।